नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने अभी तक करीब 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा 300 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को इन कट्टरपंथियों ने फूंक डाला है। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ तथाकथित यूट्यूबीय पत्रकार और बुद्धूजीवी इस पर मौन है। वैसे तो जब इसराइल जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, आतंकियों को ठोकता है तो इनकी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, तो हमारे देश में बैठे कुछ यूट्यूबी जिन्हें टीवी से लात मार के निकाल दिया गया है, वो अब मौन है। जबकि गाजा में जब हमास की पिटाई होती है तो इनकी चीखें निकलती हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि इसराइल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसराइल से दोस्ती तोड़ देना चाहिए, हमास का समर्थन करना चाहिए। जबकि यही बुद्धूजीवी, यही तथाकथित यूट्यूबी पत्रकार संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है तो तब भी ये चुप रहते हैं, और अब बांग्लादेश में जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और कुछ टीवी चैनल को छोड़कर कोई नहीं दिखा रहा है, सभी इस पर मौन है। पुड़ियाबुड यानी बॉलीवुड से लेकर फिल्म मेकर और पत्रकार सब मौन है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में साल 1947 में 23% हिंदू रहते थे। उस समय बांग्लादेश नहीं था, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जब 1947 में भारत विभाजित होकर एक देश बना था जिसका नाम था भिकारिस्तान यानी पाकिस्तान, तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और उस समय वहां पर 23% हिंदू रहते थे, और आज देखें तो वहां पर सिर्फ 8 से 9% हिंदू बचे हुए हैं। जबकि हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए थी, लगातार घटती गई, और अब तो जब से शेख हसीना ने इस्तीफा देकर वहां से अपनी जान बचाकर भागी हैं, तब से तो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं, और 100 से अधिक हिंदू मंदिरों को अभी तक खत्म नष्ट कर दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ध्रुव राठी भारत की छोटी सी खबर को लेकर बड़ा सा वीडियो बना देता है, 15-20 मिनट का वीडियो, और बता देता है कि भारत में तानाशाही है। और जब बात हिंदुओं पर अत्याचार की आती है तो ये सब सीमेंट पीकर सो जाते हैं, तब इनका मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। संदेश खाली पर कोई वीडियो किसी ने नहीं बनाया, और जब छोटी सी घटना होती है तो वीडियो बना देते हैं, बताते हैं कि भारत रहने लायक है नहीं, भारत में तानाशाही है, और सरकार को खूब गरे आते हैं, और जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये सब सो जाते हैं। संदेश खाली पर हमारे देश के कुछ यूट्यूबी हैं जिनको टीवी चैनलों से लात मार के भगाया गया है, जो अब यूट्यूब पर कूदते हैं, उछलते हैं, बोलते हैं, सरकार को गरियाते हैं, वो सब मौन रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, तब ये सब मौन हैं। बांग्लादेश में पिछले करीब 72 घंटे से 100 से अधिक हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया है, और 300 से ज़्यादा हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया है, उनमें आग लगा दी गई है, और लाखों हिंदू अपना घर छोड़कर कोई भारतीय सीमा पर आ गया तो कोई कहीं अपनी जान बचाकर छुपता छुपाता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवी इस पर मौन है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि विदेशों से इनको फंडिंग नहीं मिलती है। सबसे बड़ा कारण है कि ये वीडियो तभी बनाते हैं जब विदेश से पैसा मिलता है, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो हिंदू पैसा तो देंगे नहीं, तो ये वीडियो कभी नहीं बनाएंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर व्यूज आए या ना आए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जरूर बोलूँगा। व्यूज आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से पैसे की ज़रूरत है भी नहीं, और मैं इतना कमाता हूँ कि मुझे YouTube का चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं पैसे। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ बुद्धूजीवी तथाकथित पत्रकार, अपने आप को बड़े पत्रकार बोलते हैं, वो हिंदुओं के लिए कभी नहीं बोलेंगे, हिंदुओं
हिंदुओं पर जब अत्याचार होगा एक कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन जब भारत में किसी मारा जाएगा तब एक तुरंत वीडियो बनाएंगे और इतना लंबा वीडियो बनाएंगे, सरकार को गरियाएंगे, सिस्टम को गरियाएंगे और कहेंगे कि भारत सुरक्षित नहीं है। वैसे तो बॉलीवुड गैंग भी चुप है, जबकि इनको हमास के आतंकी प्यारे लगते हैं। इनको लगता है कि हमास की जब पिटाई होती है तो इनकी चीखें निकलती हैं, रोते हैं और कहते हैं कि इजराइल इनको मार रहा है, निर्दोषों को मार रहा है। हमास के आतंकी इनको निर्दोष नज़र आते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, उनके घरों को आग के हवाले किया जाता है, उनकी दुकानों को लूटा जाता है और पूजा स्थलों को नष्ट किया जाता है, तो ये सब मौन रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इन बुद्धिजीवियों से हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि हम तुम्हारा YouTube चैनल, हम तुम्हारा TV चैनल क्यों देखें जब हमारी तुम बात नहीं करते। तो हम लोगों को एकजुट होकर इनके YouTube चैनल, इनके TV चैनल्स को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। जय हिंद।